प्रीति जी, स्वागत है आपका। जी, मेरी एज 16 ईयर्स है और मेरे बाल वाइट हैं और फेस पे पिंपल्स भी हैं। ठीक है जी। अच्छा देखिए, वो आता है गोंद मोरिंगा सफेद, असली लें। गोंद मोरिंगा सफेद असली लें और 1 ग्राम सुबह नारियल पानी के साथ रोज़ एक बार ये खुराक लिया करें। 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला और 1 नारियल पानी के साथ आप ये पिया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। राज, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। अरे हमारा प्रॉब्लम यही है कि मतलब 2.5 साल से जो है पैर पे सींग मार दिया है। सर क्या सींग मार दिया जानवर ने? सून मार दिया है, लोग सा लगता है या पैर उठ नहीं रहा। कितना टाइम हो गया और कितनी उम्र है आपकी? उम्र 62 साल है। जानवर से लगे या किसी वाहन से चोट लगे तो काफ़ी दिन में ठीक होती है, लेकिन उसमें जल्दी ठीक करने के लिए भी इसके नुस्खे आते हैं। तो आप ना अपने किचन में देखें, अगर अलसी है, अलसी को फ्लैक्स सीड कहते हैं, अलसी ले लीजिए और इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें एक डिब्बे में, 200-300 ग्राम लेकर हल्का सा भूनना, ज़्यादा मत भूनना, इसको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है गौंद सियाह, इसे काला गौंद भी कहते हैं, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। तो आधा ग्राम गौंद सियाह, तकरीबन 2 चुटकी समझ लीजिए, आधा ग्राम गौंद सियाह और आधा चम्मच अलसी मिक्स करें और खा लें नाश्ते के बाद, और पानी या आप थोड़ा सा दूध पी लें, और ऐसे ही रात को सोते समय जो खाना खा के ये नुस्खा लिया करें, आप लगातार लेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। राधे लाल जी, एमपी से स्वागत है आपका। हेलो जी सर। जी, मेरा एक्सीडेंट दशहरे में हुआ था। दशहरा होता है ना, दशहरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये दोनों पाँव मेरे मतलब मैं दोनों पैरों में क्या हुआ है? ये सुन हो गए हैं मैडम। सुन हो गए हैं? हाँ सुन हो गए हैं। ऑपरेशन कराया है आपने? ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं कराया, MRI करा के थोड़ा बहुत इलाज करा के वापिस आ गया था। तो ये बताइए कि आपको लेट्रिन और बाथरूम आता है तो पता चलता है या नहीं? नहीं चलता ना पता, मेरे बाथरूम तो बहुत ताकत लगती है। नहीं, ताकत की बात नहीं कर रहा, आपको एहसास होता है कि आपको लेट्रिन आ रही है या बाथरूम आ रहा है? पेशाब कैसे करते हैं? आप निकल जाता है और हाँ, पेशाब और बाथरूम तो हो रही है। भाई आप हमारी बात का जवाब दीजिए, हो तो रहा है, कैसे हो रहा है आपको? आप खुद करते हैं या अपना आप निकल जाता है? आपको आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है। हाँ तो देखिए, हमारी रीत की हड्डी में नर्व समझ लीजिए या एक मींग समझ लीजिए, वो है जब उस पर रीत की हड्डी के अंदर है, जिससे हमारे सिग्नल पास होते हैं, जो कुछ हम करते हैं उसके जरिए हमारे सिग्नल पास होते हैं, उसमें बाधा आई हुई है। आप अपना बहुत ख्याल रखें और शुरू में आप गौंद सियाह लेना शुरू करें, काला गौंद असली वाला, काला गौंद एक खुराक आधा ग्राम की सुबह नाश्ते के बाद लिया करें, और रात को खाने के बाद पानी या दूध से आप ले सकते हैं, कम से कम 2-3 महीने इलाज करें। अगर उसमें ज़रा सा भी आपका एहसास वापस आ गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। टाइम बहुत लग सकता है, लेकिन पहले इलाज इसलिए करना है कि आपका लेट्रिन बाथरूम का एहसास होने लगे। अगर उसका एहसास होने लगा तो आप समझ लें कि आप ठीक हो सकते हैं।